Hello dear students, I am Suha Ramad, Malanazar Primary School Nandura. We are going to read the welcome workshop. And we will read the question answer. The welcome pointers. First question is: first, list the characters in the play, write How each is related to Chaturbhuj. Is Drama Kendar? जो रिलेटेड चतुर्भुज से कैरेक्टर्स है वो लिखना है हमको आंसर नील रतन अ विलेजर जमींदार द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज सत्तू चतुर्भुज अंकल मेड अ मेड सर्वेंट ऑफ हिज फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन आंट चतुर्भुज आंट लिटिल गर्ल सीम्स टू हिज यंगर सिस्टर हरी चतुर्भुज अंकल साधु चरण अ विलेजर परान विलेजर सेकेंड क्वेश्चन फाइंड एंड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ऑफ चतुर्भुज ऐसे अल्फाज ढूंढना है जो इनकम्प्लीट है आंसर चतुर्भुज डायरेक्टली आफ्टर द एम एग्जाम्स वेयर ओवर यहाँ देखिए ये सेंटेंस टूट गया चतुर्भुज बाउट इट द सब्जेक्ट आई वुड ऑफर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फॉर्म ग्रुप्स डिस्कस एंड राइट व्हाट चतुर्भुज वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल एक ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है और लिखना है कि चतुर्भुज क्या चाहता था सुनना पब्लिक से लोगों से आंसर नील रतन वाओ ग्रेट न्यूज़ जमींदार वेरी नाइस गुड गॉड ब्लेस यू अंकल सत्तू ओह कॉन्ग्रेचुलेशन मदर गुड वी आर प्राउड ऑफ यू आंट वेरी गुड न्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन साधु चरण ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन प्राण हार्टी वेल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ये सारे के सारे फजाइए सेंटेंसेस आपके सामने थे क्वेश्चन फोर इन एक्ट द प्ले यानी ये प्ले को एक्ट के जरिए पेश करना है मुकालमों के ज़रिए पेश करना है ड्रामा बनाना है क्वेश्चन फाइव फॉर्म पेयर्स ईच पर्सन इन देयर राइट्स डाउन अ सिंपल स्टोरी न्यूज़ आइटम रिपोर्ट एक्स्ट्रा देन वन ऑफ द पार्टनर्स ट्राइज टू टेल इट टू द अदर पर्सन द सन शोज थ्रू गैस्टर्स डैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड बाय चेंजिंग दूल्स अवे ऑफ द लिस्टर एंड द स्पीकर दर डूंग सम एल्स नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्राउटी एक्टिविटी हाउ नॉट टू बी अ गुड लिस्नर ये दो आपके सामने जुमले लिखे हुए नज़र आ रहे हैं इन दो से हमको किस तरह से एक अच्छा सुनने वाला होता है और एक अच्छा बोलने वाला अच्छा सुनने वाला नहीं होता है तो ये हमको सेंटेंसेस बनाना है दो टेबल बना के यहाँ पर आंसर देखिए दो टेबल बनाए गए हैं हाउ टू बी अ गुड लिसनर हाउ नॉट टू बी अ गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर यानी हमको स्पीकर की तरफ देखना है लुक सम वेयर एल्स speaker स्पीकर स्टार्ट स्पीकिंग जब कोई बोल रहा हो तो हम इधर उधर देखें यानी गलत सुनने वाला पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर स्पीकर की तरफ हमको ध्यान से देखना है डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर हमको स्पीकर को तोड़ना है बीच बीच में बोल के डिस्ट्रैक्ट करना है ट्राई टू guess द मीनिंग ऑफ सम न्यू अनफ्लेमर familiar वर्ड हमको नए वर्ड्स और जो पहली मरतबा सुने हैं उसको समझना है स्टार्ट यानिंग यानी हमको जमाई लेना है न्यू अनफेमिलियर वर्ड्स कीप ऑन लिस्निंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पीकर स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग विदाउट एनी रीज़न यानी हमको कोई भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कोई वजह नहीं है माक़ूल वजह नहीं है लेकिन फिर भी हमको हाँ लाफिंग करना है और हंसना है यानी हमको कुछ नहीं भी समझा तो ये एक अच्छा ना सुनने वाले की नशानी होती है कीप ऑन लिस्टिंग इफ़ यू डोंट एग्री विद स्पीकर अगर आप एग्री नहीं हैं तब भी आप बोलने वाले की तरफ ध्यान से सुनते रहें उसे और सुनते रहे कंटिन्यू सुनते रहे और अगर आप ऐसा नहीं करते लुक अवे थ्रू द विंडोज आप इधर उधर देखें खिड़कियों की तरफ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स प्ले द गेम ऑफ राइट क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर यानि हमको ऐसा गेम खेलना है जो सही और गलत है फॉर्म पेयर्स यानी जोड़िया बनाइए वन पर्सन पुट्स एनी वन क्वेश्चन टू द अदर एक लब इम दूसरे को क्वेश्चन कहें द अदर पर्सन हैज टू गिव रॉन्ग आंसर क्विकली ही शी इज आउट गिव एन आंसर और ये ऐसा आंसर दे जिससे वो आउट हो जाए तो ये रहा एग्जाम्पल आपको हाउ मच वाटर डू यू नीड आपको कितना पानी चाहिए नियर एस पी कॉलेज ए वेयर्स एस पी कॉलेज बी एट टू ओ क्लॉक ए वू वॉज देयर बी नो इसमें हमको क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर देगा वो रॉन्ग आंसर देगा क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा और आंसर कुछ बोला जाएगा तो यहाँ आपके सामने हाउ मच वाटर डू यू नीड यानी आपको कितना पानी चाहिए तो ए ने पूछा बी ने उसका कुछ और ही दिए जवाब दिया जैसे नियर एस पी कॉलेज यानी कॉलेज का नाम बता दिया देखिए नेक्स्ट व्हाट्स एस पी कॉलेज क्या है वेयर एस पी कॉलेज क्या है एस पी कॉलेज एट टू ओ क्लॉक यानी दो बजे जबकि उसने ये पूछा कि कहाँ है एस पी कॉलेज हु वाज देयर कौन है उधर आई डोंट नो मैं नहीं जानता ए आउट अब ये इसने उसको आउट कर दिया है तो ये था क्वेश्चन सिक्स द वेलकम का जो प्ले था उसका हमने पॉइंटर्स क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब ये तमाम देख लिए हैं आप अपनी बुक में इसको लिख ले याद कर ले इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल कर आसानी सवाल जवाब लिख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग सोहेल अहमद